हाय, वेलकम टू AM क्रिएटिविटी DIY। आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इसी चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बहुत बहुत यूनिक चीज़ लेकर आई हूँ। बट अनफॉर्चुनेट क्या हुआ ना कि मेरे पूरा जो डाटा था वो पूरा क्लीन अप लग गया है, जिसकी वजह से फुल वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। और आज की जो वीडियो होंगी वो बहुत छोटी छोटी सी होंगी बट यूनिक होंगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं पूरी प्रिपरेशन आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन उसको कैसे यूज़ किया है, उसको कहाँ असेंबल किया है और उसको जो मटेरियल जो चीज़ है वो कहाँ से मैंने लाया है वो देखना आज के लिए सरप्राइज़ होगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें। तो देखिए, ये पहले मेरा फर्स्ट DIY है, जो कि एक नान खटाई का बॉक्स था, खाली हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने ये कलर किया है, एक्रेलिक कलर है, और ये डीप पर्पल कलर जो बैंगन का कलर होता है, ब्रिंजल वाला, ये वही कलर है बट यहाँ पर थोड़ा हटकर दिख रहा है। उसकी मैंने एक नीचे लेयर ली और एक ऊपर की साइड पर लेयर ली। और ये वो कमरबंद है जो नाड़ा भी बोलते हैं इसको, बहुत लोग कमरबंद भी बोलते हैं। ये अब यूज़ में भी नहीं होते हैं क्योंकि शलवार वगैरह बनानी तो देखिए बंद हो गई हैं, सब रेडीमेड ड्रेसेस ही पहनते हैं। तो ये पड़ा हुआ था मेरे पास और मैंने इसकी लेयर बाय लेयर चिपका दी हैं। इसके इसी तरह का एक और बॉक्स है मेरे पास, उस पर चिपकाई हैं, जो कि सिंपल ग्लू से बहुत आराम से चिपक गई हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो बॉक्स है वो कैसा बनकर रेडी हुआ है। थोड़ा सा मैंने एक दो जगह पर मिरर चिपका दिए, ये टेसल्स रेडीमेड मार्केट की थी वही चिपका दी हैं। और वो सिंपल सब काम मैंने ग्लू से ही किया है, फेविक्लू का जो सिंपल ग्लू होता है एकदम फेविकॉल वाला। तली में इसके मैंने कोई कलर नहीं किया क्योंकि मुझे इसको रखना है। एक साइड पर भी कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कॉर्नर में सामान अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहला अपना एक DIY बनाया था, ये वही है। अब यहाँ पर मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड DIY है, जो कि एक मैंने मेडिकल शॉप जो होती है वहाँ से एक खाली बॉक्स लिया था। ये प्लास्टिक का है, उनके पास ये हिमालय की कुछ बाम वगैरह थी उसी का बॉक्स खाली हुआ था। तो ये मैंने एक्चुअली ग्लू से सारे मिरर्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के थे और डिफरेंट फॉर्म्स में चिपका दिए हैं, और जर्नल फेविकॉल से ही चिपकाए हैं, बहुत आराम से चिपक गए थे। और ये इसका कवर है, मुझे इसके कवर का कलर बहुत पसंद था इसीलिए मैंने कोई चेंजेस इसके कवर में नहीं किए हैं। और मैंने ये जो चिपकाया है एक ब्लैक सा, ये मेरे पास घर में एक्स्ट्रा फ्रॉक में से निकला था, तो हम इसके ऊपर कुछ भी चिपका सकते हैं। और ये झालर है, मैंने बल्ब वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है तो हो सकता है फायर वगैरह भी हो जाए। ये झालर मैंने इसमें यूज़ किया है क्योंकि झालर क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हैवी वोट नहीं होती है। और देखिए, ये बनने के बाद जब मैंने इसकी लाइटिंग की तो बहुत सुंदर लगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइटिंग की है मैंने, येलो, ग्रीन, डिस्को वाली। आप इसके पिक्चर्स ले सकते हैं ताकि जब इसको बनाएं आप तो आप आराम से बना सकें और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, डिज़ाइन अपनी मर्जी होती है। और मैंने इसको एक लैम्प की तरह भी रखा है, अब आपको पता चलेगा आगे वीडियोज़ में। ये मेरा थर्ड DIY है, जो कि एक खाली बॉक्स था, चिप्स वगैरह का खाली हुआ था, खाली कंटेनर छोटा सा प्लास्टिक का। तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट था इसीलिए इसमें ऊपर की साइड एक लेस थी उसको लगा दी है और ग्लू फेविकॉल से चिपकाई है। अब मैं इसके अंदर एक पानी की सिंपल छोटी सी बॉटल रख रही हूँ
और ये वो मैजिक बॉल्स हैं जो बच्चे छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और उनमें पानी डालकर रात को रख देते हैं, तब ये फूल जाती हैं पानी में, ये वही बॉल्स हैं। तो मैंने ये एक पैकेट आता है जो 10 या 20 रुपए का आ जाता है, कलरफुल बॉल्स इसके अंदर आती हैं, तो मैंने इनको अलग अलग कर लिया। जब ये भीगने के बाद फूल गई तो मैंने इनको अलग अलग किया है, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग किया है। पहले रेड डाल दिया, फिर येलो डाल रही हूँ। येलो डालते डालते ये बहुत कूद कूद के बाहर निकल रही थी, तभी मुझे बहुत धीरे धीरे इनको डालना पड़ रहा था, क्योंकि जो बॉटल मैंने अंदर रखी है उसी की वजह से ये मतलब बाहर कूद के बाहर आ जा रही थी। लेकिन वो मैंने बॉटल यूज़ के लिए रखी है, और जो भी मेरे पास कलर्स थे, फिर ये थोड़ा डीप येलो कलर है जो कि मैं डाल रही हूँ अब, और मैंने इसका नेक खोल दिया, मैं वही नेक थोड़ा लूज़ कर दिया है ताकि ये असेंबल हो जाए और मुझे खोलने में दिक्कत नहीं हो। ये देखिए मल्टी कलर्स बाकी थे तो वो मैंने इस तरीके से डाले, और ये बॉल्स जो छोटी छोटी बच्चों की खेलने की बॉल होती हैं वो भी लगा दी, ताकि बॉटल किसी भी तरह से अंदर की हिले नहीं। बल्कि अगर ये देखूँ तो थोड़ा बहुत कम भी रह गए हैं, लेकिन इनफ हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं, इतने हैं। तो ये मैंने इसमें एक प्लांट लगा दिया है, अब देखिए आप कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए। ये मेरा फोर्थ और लास्ट DIY है। गत्ते का पीस लिया है और इसको गोल करके काट लिया। ये मैंने मेरे ड्रेस में से निकले हुए हैं पीसेस, तो ऐसे बहुत सारे पीसेस उस ड्रेस में से निकले थे जो कि मैंने काटे और गोल सर्कल में इस जो गत्ता है उसके ऊपर कार्डबोर्ड के पिक्स पर कवर अप कर दिए हैं, और इनमें मिरर लगे हुए नहीं आए थे, तो मतलब वो ड्रेस में से निकल गए होंगे इवन, तो वो मैंने चिपका दिए और ये रेडी हो गए हैं अभी। लेकिन अब मैं आपको इनको दिखाऊंगी कि वॉल पे लगने के बाद कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और आपको चारों में से कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। आपने देखा कि मैंने कैसे पूरे DIY को पूरा कितने 4 DIY मैंने आपके लिए आज बनाए थे जो कि अनफॉर्चुनेट डिलीट हो गए थे, बट अब आप मेरी मेहनत को सफल कर दीजिए, लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, और मेरी वीडियोज़ को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे साथ हमेशा आगे तक बने रहिए, ताकि मैं आपके लिए कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए बट आपके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाती रहूं, और इसी तरीके से हमारा साथ बना रहे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे ही मैं आऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।